फिजिक्स की क्लास चैप्टर वन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक यूनिट है, इसमें दो चैप्टर है, तो मैं आपको सारा एक साथ मर्ज करके पढ़ा दूंगा। मैं चैप्टर वन चैप्टर टू अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नहीं चलेंगे, हम लोग पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो तो गया यूनिट का नाम है, तो लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई वर्ड हमने शायद अब तक ना पढ़ा हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, नाम से समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक की स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करेंगे। स्टैटिक्स मतलब किस रेफरेंस पे रख के जो भी है हम रेस्ट में लेके करेंगे, यानी कि ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, यानी कि चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे, और वो चार्ज नहीं जो मोशन में, कौन सा चार्ज जो रेस्ट में। मोशन वाला करेंगे तो सेकेंड यूनिट आएगी करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें चार्ज मोशन में होता है तो करंट फ्लो होने लग जाता है सर्किट में, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ पे हम वो सब कुछ चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, करंट का कोई फिनोमेना नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ चार्ज रेस्ट पे रहता है तो क्या क्या वो काम कर सकता है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। अब एक बेसिक सी डेफिनेशन लिख दी है इलेक्ट्रिक चार्ज की, अगर किसी को ना पता हो कि चार्ज होता क्या है, तो चार्ज इज समथिंग पजेस्ड बाय मटीरियल ऑब्जेक्ट दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर देम टू एग्जर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स एंड टू रिस्पॉन्ड टू दीज फोर्सेज। कोई भी मटीरियल ऑब्जेक्ट, उस पर कोई ऐसी चीज़ जो उसे क्या कर सके, या वो किसी पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सके उसके थ्रू, या वो किसी की इलेक्ट्रिक फोर्स अपने पे एक्सपीरियंस कर सके, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट आपने पढ़ी भी होगी, कूलॉम होती है, जिसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, सी से, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। तीन मोस्ट कॉमन जो है एलिमेंट्री पार्टिकल्स वो कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। हालांकि हम जब मैग्नेटिक्स में पहुंचेंगे तो अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल उनके बारे में भी स्टडी करेंगे, पर वो यहाँ पे नहीं है तो इसलिए मैंने इन्हें यहाँ पे मेंशन नहीं करा। इलेक्ट्रॉन ये मैंने इधर मास लिखे हैं, इधर इनका चार्ज लिखा है 9.1×10⁻³¹ kg इलेक्ट्रॉन का मास है, देख सकते हो आप सबसे कम है, बहुत कम मास है 10⁻³¹ kg। ये चार्ज 1.6×10⁻¹⁹ कूलॉम। प्रोटॉन का मास 1.65×10⁻²⁷ kg, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जब आपका पेपर होगा कभी भी तो आपको लिख के देते हैं ये सब चीज़ें, ये याद कर लेना, तो याद होने भी चाहिए 12th क्लास तक आपके। तो 1.65×10⁻²⁷ kg, इस पर भी चार्ज 1.6×10⁻¹⁹ कूलॉम, मतलब फर्क क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम चार्ज हो गया, सबको पता ही होगा इतना तो, कि इलेक्ट्रॉन पे क्या बोलते हैं हम लोग, नेगेटिव चार्ज होता है फंडामेंटली, और प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव आप दिखा सकते हो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। न्यूट्रॉन होता है तीसरा पार्टिकल, मास 1.67×10⁻²⁷, ऑलमोस्ट सेम ही है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं न्यूक्लियस को। तो 1.67×10⁻²⁷ kg चार्ज न्यूट्रॉन पे कुछ नहीं होता, निल, दैट इज जीरो। हम ये आगे स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे दो तरीके के चार्जेस होते हैं। भाई देखो, अब तो हम पढ़ रहे हैं, बन चुका है सब कुछ, तो समझना बहुत आसान है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, लेकिन ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कब के पढ़ाए गए जब पता ही नहीं था कि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। तो उस टाइम साइंटिस्ट जो भी थे उन्होंने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट्स करे और किस तरीके से पता लगाया कि कौन सा चार्ज पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, चार्ज कैसा फिनोमेना दिखाता है, कैसे चार्ज अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, कैसे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सब प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए ये एक्सपेरिमेंट कैरी अप कराए गए थे। ये नोट्स में डायग्राम आपको दिख गए होंगे, बस समझ में कुछ नहीं आया होगा तो मैं समझा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले हमने क्या लिया यहाँ पर, जो कोई भी ग्लास रॉड ली है, ग्लास रॉड को हमने यहाँ पे क्या लिया है, सिल्क का कोई भी आप कपड़ा ले सकते हो, सिल्क के कपड़े से हमने क्या कर दिया, ग्लास रॉड को रब करा। जब ग्लास रॉड को रब करा और जो ऐसी रब करी ग्लास रॉड हम पास में लेके आए, तो हमने देखा कि क्या कर रही थी ग्लास रॉड, एक दूसरे को रिपेल कर रही है। उसके बाद ऐसा ही कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट फिर कैरी आउट करा, इसमें क्या लिया, इसमें जो रॉड्स ली हैं, ये किसकी है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, ये एबोनाइट की रॉड है, एबोनाइट एक मटीरियल है जैसे ग्लास की बनी हुई है, ये एबोनाइट की बनी हुई है, ये एबोनाइट की बनी हुई रॉड है। और ये क्या कर रही है, इनको हमने क्या करा है, कैट फर से, जैसे हमने यहाँ पे सिल्क से रब करा था, इसको हमने कैट के फर से रब कर दिया, तो इस पर कोई अलग तरीके का चार्ज डेवलप हुआ, ये नहीं पता हमें पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो बाद में उन लोगों ने बना दिया कि चलो इसे पॉजिटिव से नेगेटिव मान लेते, बताऊँगा आगे चल के सब चीज़ें। दो ग्लास रॉड सॉरी दो एबोनाइट की रॉड कैट फर से रब गई, दोनों को पास में लेके आए, तो जैसा यहाँ ग्लास रॉड में रिपल्शन देखने के लिए मिला था, उसी तरीके का सेम रिपल्शन यहाँ किस में देखने के लिए मिला हमें, यहाँ हमें एबोनाइट की रॉड में भी देखने के लिए मिला। फिर उन्होंने क्या करा कि यहाँ से एक ग्लास रॉड ली जो कि सिल्क से रब करी हुई थी, यहाँ से एक एबोनाइट रॉड ली जो कि कैट के फर से रब करी हुई थी, और उन दोनों को पास में ला के देखा
तो देखने के लिए मिला कि ये दोनों क्या कर रही है, दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। तो यहाँ से साइंटिस्ट ने कुछ कंक्लूड करने की कोशिश करी, उन्होंने बोला ऐसा हो सकता है कि ग्लास रॉड से जब हमने सिल्क से रब करा है तो रबिंग करने से कोई एक ग्लास रॉड में कोई तरीके का चार्ज डेवलप हो गया हो और एबोनाइट रॉड में कोई दूसरे तरीके का चार्ज डेवलप हो गया हो कैटफर से रब करने पर, तभी ये क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि सिमिलर ग्लास रॉड्स और सिमिलर एबोनाइट रॉड्स एक दूसरे को रिपेल कर रही थी, अपोजिट तरीके की लाए दोनों अलग अलग लाए तो अट्रैक्ट कर रही थी, इसका मतलब इन पे कोई तो अपोजिट चार्जेज होंगे। तो उन्होंने एक इसी तरीके से बोल दिया कि चलो मान लेते हैं ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा और एबोनाइट पे नेगेटिव चार्ज आया होगा। इस तरीके से चार्ज की जो है डिस्कवरी हुई, अब बोला कि अपोजिट चार्जेस दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और सेम चार्जेस रिपेल करेंगे। इस तरीके से ये जो हम अब इतनी आसानी से समझ लेते हैं, उतनी आसानी से पढ़ लेते हैं, वो इस तरीके से क्वेश्चन होता है। बाकी क्या है फिर, ये नीचे के तीन और एक्सपेरिमेंट क्या कराए, इन्हीं चीज़ को ऊपर वाली चीज़ों को कन्फर्म करने के लिए नीचे के तीन और एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट कराए गए थे। इसमें क्या करा गया, यही सेम ग्लास रॉड ली गई है, ग्लास रॉड से नायलॉन थ्रेड से कनेक्ट किया गया। मुझे पता है जैसे नायलॉन थ्रेड जो होगा वो थोड़ा बहुत कंडक्टिंग होता है नेचर में, और ये जो बॉल्स ली है ये पॉलीस्टाइरीन से बनी हुई है। पॉलीस्टाइरीन एक केमिकल है जिससे बॉल्स बनाई गई हैं, पॉलीस्टाइरीन की बॉल्स बनी हुई हैं। दोनों बॉल्स क्या करती हैं, अब हम यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, नायलॉन थ्रेड थोड़ा बहुत कंडक्ट करता है, तो ये पिथ बॉल्स बोलते हैं हम लोग इन्हें, पिथ बॉल्स क्या करने लगती हैं, दोनों पर कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और ये दोनों बॉल्स कभी एक दूसरे के पास में नहीं आती, इसी तरीके से दूरी बन जाती है। ये सेम एक्सपेरिमेंट कैरी कराया है, एबोनाइट रॉड पर लगा के हमने दो नायलॉन थ्रेड दो पिथ बॉल्स लगाई, दोनों पिथ बॉल एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। फिर एक पिथ बॉल यहाँ से उठा के और एक पिथ बॉल यहाँ से उठा के कोई हमने अनचार्ज रॉड ले लिया, कोई सिंपल एक रॉड ले ली ग्लास की, वो एबोनाइट की, वो रब्ड नहीं है वो किसी भी चीज़ से। यहाँ पे हमने दोनों से नायलॉन थ्रेड टांग से पिथ बॉल टांग दी, तो यहाँ पे देखने के लिए मिला ये दोनों अपोजिट चार्ज वाले जो हैं कोई दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, सिमिलर टू द एक्सपेरिमेंट सी। तो यहाँ से फिर से कंक्लूड किया गया दैट अपोजिट चार्जेस कैन अट्रैक्ट ईच अदर, चार्जेस कैन बी डेवलप्ड बाय रबिंग। इस तरीके से हमने एक चार्ज को क्या बोला, रब करा दूसरे उस पर रॉड पे, तो यहाँ पे चार्ज डेवलप हो गया। ऐसी सब चीज़ें कुछ जो है साइंटिस्ट ने फाइंड करी। अब स्टार्ट कर रहे हैं कंडक्टर्स इंसुलेटर्स और डायलैक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। कंडक्टर्स इंसुलेटर्स और डायलैक्ट्रिक्स, कंडक्टर्स हमने पढ़े हुए, सबको पता होगा कंडक्टर्स क्या होते हैं, वो कोई भी मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को या चार्ज को कंडक्ट कर सके, कोई भी मेटल हो गया जैसे आयरन हो गया, ये सब इसके एग्जांपल हो जाएंगे। इंसुलेटर वो कोई भी मटेरियल जो चार्ज कंडक्ट ना कर सके, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक फिनोमेना ना दिखा सके, वुड हो गया, पेपर हो गया। अब डायलैक्ट्रिक्स क्या है, ये नहीं पढ़ा अभी तक, ये नई चीज़ है। डायलैक्ट्रिक्स क्या है, ये डायलैक्ट्रिक्स वो इंसुलेटिंग मटीरियल्स हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करते हैं विदाउट कंडक्टिंग एनी चार्ज, चार्ज को कंडक्ट नहीं करेंगे लेकिन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ट्रांसमिट कर सकते हैं। एग्जांपल है इसका ग्लास, इसका एग्जांपल मैं दूंगा तो याद होगा सबको, जो छोटे थे तो सब वो करते थे स्केल लेके सिर पे रब करो और उससे वो छोटे छोटे टुकड़े होते थे कागज के, अगर हम उठा के देखते थे तो स्केल पे चिपकते थे। तो स्केल पे क्यों चिपकते थे, स्केल पे इसलिए चिपकते थे जब हमने रब करा, जैसे पीछे दिखाया था कि सिल्क से रब कर रहे थे ग्लास रॉड को, स्केल भी ग्लास का है तो उसको रब करा हमने, रब करने से क्या होगा, स्केल पे एक कोई भी चार्ज डेवलप हो जाता है। अब वो चार्ज क्या करेगा, चार्ज वो पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है क्योंकि पेपर क्या होगा, कोई भी अपोजिटली चार्ज पार्टिकल होगा उसके लिए। तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो दिखा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा रहा है जब भी उसको अट्रैक्ट कर पा रहा है पेपर को, लेकिन वो क्या नहीं कर रहा, चार्ज को कंडक्ट नहीं कर रहा। चार्ज को कंडक्ट करता तो आपको थोड़ा बहुत भी करंट जो है वो महसूस होता अपने हाथ में, लेकिन वो हमें महसूस नहीं होता बिल्कुल भी, सिर्फ और सिर्फ वो क्या करता है, जो पार्टिकल्स हैं पेपर के छोटे छोटे उनको अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि ऐसी कोई भी चीज जो क्या दिखाएंगी, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करेंगी विदाउट कंडक्टिंग एनी चार्ज, दे विल एक्चुअली नॉट कंडक्ट एनी चार्ज बट दिस इलेक्ट्रिक इफेक्ट आर नोन एज डायलैक्ट्रिक्स। वेल एग्जांपल, वेल नोन एग्जांपल ऑफ डायलैक्ट्रिक्स इज ग्लास। उसके बाद ये गोल्डी इलेक्ट्रोस्कोप है, इसका डायग्राम नोटबुक से मैंने भेजा था, तो हो सकता है क्लियर ना हो कुछ तो आप यहाँ से देख लेना, जो भी चीज़ लेबलिंग वगैरह वहाँ दिख रही हो यहाँ कर लेना लेबलिंग को, कुछ छूट गई है लेबलिंग और तो मैं और मार्क कर दूंगा। यहाँ पे करा किया गया था, गोल्डी इलेक्ट्रोस्कोप बनाया गया था, ये कोई भी ग्लास का चेंबर लिया गया है, इसमें ये कॉर्क लगा के इसे सील किया गया है, ये लेड की है, यहाँ पे एक रॉड लगाई है, रॉड से ये दो फॉइल लगाई गई हैं, ये फॉइल बहुत ही थिन फॉइल है, जैसे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था 11th क्लास में कि ये फॉइल थिन है तो ये अल्यूमिनियम की या गोल्ड की होंगी, ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है तो इसलिए इसमें किसकी यूज़ की थी, गोल्ड की यूज़ की थी, एल्यूमिनियम की भी यूज़ की जा सकती है।
अब यहाँ पे करा क्या हमने, यहाँ पे ये दो और चीजें लगाई हैं, दो हम बोल सकते हैं थिन मेम्ब्रेन लगाई हैं या कोई भी लेयर लगाई है, जिनको हमने किससे रिनोट कर दिया, एफ से रिनोट कर दिया। दोनों पे हमने सेम चार्ज दिया है। यहाँ पे हमने करा क्या कि ग्लास रॉड लेके आए, वो पीछे एक्सपेरिमेंट कराए थे, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड लेके आए थे, लेड वाले से जैसे टच करा तो पॉजिटिव चार्ज पूरा नीचे तक ट्रांसमिट होगा और लीफ पे भी पहुंच जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो हमने यहाँ पे प्लेट्स लगाई थी या थिन लीव्स लगाई थी FF, ये हम किसी भी चार्ज के लगा सकते हैं देखने के लिए, स्टडी करने के लिए कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा चार्ज है। सपोज करो मैंने यहाँ से ग्लास रॉड दिया तो मुझे पता है कि मैं पॉजिटिव चार्ज लगा रहा हूँ, ठीक है, या मुझे नहीं पता, मान लो कि ये ग्लास रॉड है इस पर कौन सा चार्ज है, मेरे को चार्ज डिटरमाइन करना है, तो मैंने यहाँ लगाई, यहाँ पर कोई भी चार्ज ट्रांसमिट हुआ, सपोज मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिया था और मैंने यहाँ पर क्या लगाया, पॉजिटिव चार्ज लगाया, तो ये वाली लेयर जो है इस लीफ को क्या करेगी, रिपेल करेगी। उस तरह इस तरीके से मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ कि मेरी यहाँ पर जो भी ग्लास रॉड है, एबोनाइट की रॉड है, लोहा है, जो भी उसमें कौन सा चार्ज है। इस तरीके से सपोज करो मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लूँ, ये पॉजिटिव चार्ज लेके आया हूँ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लूँ, तो ये क्या करेगी, इसे रिपेल करेगी। एक यूज तो ये हो गया ग्लास रॉड, इसका गुड इलेक्ट्रोस्कोप का, क्या आप चार्ज डिटरमाइन कर सकते हो, चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है, जो भी आप जिस भी चीज़ पे करना चाहते हो। दूसरी चीज़ और क्या डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये जो लीफ है ये एक दूसरे को कितने हद तक रिपेल करती है, उससे आप चार्ज का मैग्नीट्यूड डिटरमाइन कर सकते हो, जितना ज़्यादा रिपल्शन दोनों लीव्स में उतना ज़्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड, जितना कम रिपल्शन उतना कम चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो मैं कहूँगा कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इसीलिए मैंने थ्योरी नहीं भेजी इसके, आपको आप एक बार ये समझ लीजिए जो मैंने बताया, डायग्राम को कंसीडर कर लीजिए, उतना ही बहुत होगा। दो यूजेस फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा, दो यूजेस क्या है, चार्ज डिटरमाइन करना कि चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, और उसका मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करना कि कितना कम चार्ज है कितना ज़्यादा चार्ज है विद द अमाउंट ऑफ रिपल्शन शोन बाय द लीव्स द इलेक्ट्रोस्कोप। आपने चार्जिंग बाय इंडक्शन इससे पहले हमने पढ़ा था, चार्जिंग बाय एक्चुअल कॉन्टैक्ट जिसमें हम रबिंग से चार्ज अनलॉक कर रहे थे, यहाँ पे हम इंडक्शन एक प्रॉपर्टी होती है पढ़ी हुई आपने 9th क्लास में, उससे हम लोग चार्ज अनलॉक करेंगे। चार्जिंग बाय इंडक्शन सबसे पहले हमने क्या करा, कोई भी बॉल है ये हमने रॉड के मीडियम से अटैच कर दिया, रॉड की हेल्प से, इस तरीके से ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, इसमें चार्ज है लेकिन चार्ज ऐसे है कि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हमने यहाँ पे कोई चार्ज डिनोट नहीं करा है। ये बन दूसरे केस में हमने क्या करा कि ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड जो थी वो इसके पास में लेके आए, जैसे ही वैसे करेंगे, हमें पता है, मैं अभी पीछे बता के भी आया हूँ कि ऑपोजिटली चार्ज के ऑपोजिट चार्ज क्या करते हैं, दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो जैसे ही आप पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड यहाँ लेके आओगे, इस एंड पे इसके मेटल की रॉड के या मेटल की बॉल के क्या डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और दूसरी तरफ के कौन सा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा, और नेगेटिव पॉजिटिव ये ए के बराबर रहेगा, तो ओवरऑल देखोगे तो न्यूट्रल है, बट लेकिन आधी साइड में नेगेटिव आ गया और आधी साइड में बची बची में पॉजिटिव रह गया। फिर उसके बाद हमने क्या करा, थर्ड वाले में हमने इसे क्या कर दिया, इसका अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग करना सबको पता होगा, अर्थिंग का फिनोमिना पढ़ाया गया था, ये भी 10वीं में पढ़ाया गया था, तो ये अर्थिंग कर दी। अर्थिंग करने से होता क्या है कि अर्थ दो तरीके से आप समझ सकते हो कि अर्थ से नेगेटिव चार्ज जितना भी था, अर्थ कौन सा चार्ज कैरी करती है, नेगेटिव चार्ज कैरी करती है, अर्थ से जितना भी नेगेटिव चार्ज था वो यहाँ जाता रहा और इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, धीरे 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 खत्म हो गया। जैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे खत्म हुआ तो नेगेटिव चार्ज आना बंद हो गया, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज और नहीं जा सकता, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करना शुरू हो गया, ये काम करने के लिए हमने अर्थिंग शुरू करी थी, या आप ये कह सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया, जैसे समझना चाहो वैसे समझ। उसके बाद हमने क्या करा, डी वाले में दिखाया कि आफ्टर अर्थिंग क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके की कंडीशन ऑब्टेन होगी, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, नलीफाई हो गया, कौन से नेगेटिव चार्ज से जो अर्थ से आया था। अब इससे अगले वाले में हमने क्या करा कि ग्लास रॉड को हटा दिया, ग्लास रॉड को हटाने के बाद में क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस बॉल के ऊपर। तो हमने क्या करा यहाँ पे, हमने एक न्यूट्रल बॉल को किस कौन से चार्ज में कन्वर्ट कर दिया, नेगेटिव चार्ज बॉल में कन्वर्ट कर दिया, हाउ, बाय फिनोमेना कॉल्ड एज इंडक्शन। दूसरी एक्टिविटी है, दूसरी एक्टिविटी में हमने यहाँ पे एक लिया था इस तरीके की बॉल वगैरह, यहाँ पे हम दो ले लेंगे। यहाँ पे क्या करा है हमने, दो बॉल्स हैं ए और बी, दोनों को एक दूसरे के साथ टच कर रखा है, ये कोई भी इंसुलेटिंग स्टैंड की हेल्प से हमने स्टैंड खड़ी कर रखी है, दोनों को टच कर रखा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से वही ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड लेके आएंगे, जैसे पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड आप यहाँ पे लेके आओगे तो सिमिलरली जैसे ऊपर हुआ था नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होगा तो पॉजिटिव इसके यहाँ पे होगा, इसके यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो इस वाले यहाँ पे नेगेटिव होगा और यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो वहाँ अंदर ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाएगी, गचड़ पचड़ हो जाएगी, इसलिए हमने बनाया नहीं है, नेगेटिव इधर दिखा दिया और मेन पॉजिटिव
उधर दिखानी है। इसका मतलब ये नहीं कि सारा नेगेटिव इधर आ गया, सारा पॉजिटिव इधर चला गया, बट मेजोरिटी चार्ज जो है वो इधर आ चुका है नेगेटिव, और इस वाले का मेजोरिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस तरफ एक्युमुलेट हो चुका। क्यों? क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। फिर उसके बाद हमने क्या करा, सी वाले में हमने इसे स्मॉल डिस्टेंस, ये दिख रहा होगा बीच में आपको, मैंने यहाँ से और यहाँ से हटा दिया है, स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट आउट कर दिया। स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट आउट करने के बाद फिर हमने अगले वाले में क्या करा, अगले वाले में हमने ग्लास रॉड को हटा दिया। जैसे हम ग्लास रॉड को हटाएंगे तो नेगेटिव चार्ज, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इस तरफ था, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इस तरफ था, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या जाएंगे, एक दूसरे की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे ये वाला नेगेटिव इस तरफ आ गया और ये वाला पॉजिटिव इस तरफ आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव अभी इस तरफ आ जाएंगे। फिर हमने उसके बाद क्या करा है, इसको अभी ये स्मॉल डिस्टेंस ही सेपरेट थे, थोड़ा दूर बना दिया मैंने, फिर से पास बना देता हूँ इसे। पास में ही है इसके। फिर हमने क्या करा, इसे लार्ज डिस्टेंस से सेपरेट आउट कर दिया, दूर दूर कर दिए, काफ़ी दूर कर दिए। काफ़ी दूर करने पे क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज इस बॉल पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा और इस बॉल पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस वाली एक्टिविटी में क्या करा, दो बॉल्स थी हमारे पास, दोनों न्यूट्रल थी, एक ग्लास रॉड की हेल्प से एक को हमने कम्प्लीटली नेगेटिव चार्ज कर दिया, दूसरी को हमने कम्प्लीटली पॉजिटिव चार्ज कर दिया। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट इलास्टिक नेटिंग बच रही है आज के काम में जो आपको दिया गया था। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या है कि जो टोटल चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसी भी एक चार्ज के। जैसे मान लो कोई टोटल चार्ज निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स पर टोटल चार्ज मुझे निकालना है, तो मैं क्यू इज इक्वल्स टू एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी 10 है यहाँ पर, और ई जो चार्ज अभी पीछे बताया था, जैसे इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻¹⁹ करके निकाल सकता हूँ। आप यहाँ से नंबर ऑफ नंबर भी निकाल सकते हो, एन याद होगा हमने कुछ ऐसा करा था वहाँ पे, इलेक्ट्रॉन पे निकाले थे चार्ज करके, 10th क्लास में एक क्वेश्चन था। उसके बाद ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान है, क्योंकि एडिटिविटी ऑफ चार्ज, इसमें अगर टोटल चार्ज निकालना है, अगर आपको एक सिस्टम गिवन है, इस पर 5 चार्जेस हैं, मान लो अलग अलग चार्ज हैं, कोई पॉजिटिव हो सकता है, कोई नेगेटिव हो सकता है, तो आप यहाँ पे सारों को ऐड ऑन कर दो। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो हम उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव में डालेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सपोज मान लो कोई 14 चार्ज मैं यहाँ पे लेता हूँ जो नेगेटिव होगा, तो मैं उसे ऐसे कर दूँगा, Q1 + Q2 Q3 को ऐड करेंगे और Q4 को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सिस्टम पे मेरे पास टोटल चार्ज कैपिटल Q आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। आप चार्ज को क्या कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, 1000 बार पढ़ रखा होगा आज तक हम लोगों। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या है, प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। सिस्टम नहीं, हम यहाँ पर बोलेंगे टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम बहुत ध्यान में रखने वाली बात है, कोई भी सिस्टम का चार्ज जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टेंट ही रहेगा। आइसोलेटेड सिस्टम होगा, आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जिस पर और कोई फर्दर और कोई इलेक्ट्रिक फोर्सेज या किसी भी तरीके की कोई भी फोर्सेज उस पर एक्ट नहीं कर रही हैं, वो आइसोलेटेड सिस्टम है। जैसे मान लो मैंने कोई अभी पीछे एग्जाम्पल दे रहे थे हम रबिंग वाला, तो जैसे मैंने उसको सिल्क को रबर उस पर ग्लास रॉड पर रब करा था, तो सिल्क का कुछ चार्ज किस पर ट्रांसफर हो गया था, ग्लास के रॉड पर ट्रांसफर हो गया था, तो चार्ज सिल्क का खत्म नहीं हुआ, वो ग्लास रॉड पर ट्रांसफर हो गया। ग्लास रॉड को उसमें मेटल की बॉडी पास में डाले थे, उसका चार्ज खत्म नहीं हो रहा था, उससे का चार्ज उस पर ट्रांसफर हो जा रहा था। इस तरीके से चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते, इसके अंदर आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर। आज के लिए इतना ही है, इतना पढ़िए अच्छे से, कल से फिर आगे हम स्टार्ट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये, तो बेसिक था एक तरीके का, कल से स्टार्ट करेंगे।